इन दिनों सांप काटने की खबर लगातार मिल रही। इस बीच गांव में सांप काटने का इलाज लोग जागरूकता की कमी के कारण झाड़ फूक पर निर्भर रहकर अपनी जान गंवा रहे हैं। आज भी बक्सर के कई जगहों पर जागरूकता की कमी के कारण लोग सांप काटने पर झाड़ फूक पर विश्वास कर रहे हैं और इस अंधविश्वास की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं सांप काटने पर अगर वक्त रहते सही इलाज मिल जाए तो पीड़ित की जान 70% तक चांसेस होती है कि बच जाए। इस मामले में सर्प दंश के उपचार को लेकर डॉक्टरों ने कुछ खास सलाह दी है, तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। दरअसल राजपुर प्रखंड के सभी गांव में रहने वाले लोगों को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने सुझाव दिया है कि उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पहल पर इस बार अस्पताल में ABS का इंजेक्शन भी उपलब्ध करा दिया गया है। अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काटता है तो तत्काल CHC पहुंचकर इलाज कराए। उन्होंने बताया कि बरसात के दिन में सभी खेत खलिहान में पानी भर जाने पर उमस भरी गर्मी में जहरीले सांप या बिच्छू अक्सर खेत की मेड़ पर दिखाई देते हैं, जो अचानक किसी कारणवश वो पैर से दबकर किसी को डस देते हैं या बिच्छू डंक मार देते हैं। ऐसे स्थिति में लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे मरीज की मौत हो जाती है। इन सबसे बचने के लिए आप सभी को दवा लेना जरूरी होगा। प्राथमिक उपचार के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे पहले हिम्मत दे कि उन्हें इलाज से ठीक किया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मरीज सामान्य स्थिति में रहता है और अस्पताल पहुंचने पर उसे इंजेक्शन दी जाती है। क्षेत्र में करैत कोबरा एवं वाइपर ही 3 जहरीले सांप है। इन तीनों के काटने पर ही आदमी की मौत होती है। अन्य सांप की जो प्रजाति है उन सांपों के काटे जाने से शरीर पर वैसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी लोगों को सांप काटने पर डरने की जरूरत नहीं बल्कि इलाज कराने की जरूरत है। अभी भी लोगों की मानसिकता है कि झाड़ फूक से ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अस्पताल पहुंचे, अभी फिलहाल CHC में BS की 30 इंजेक्शन सुरक्षित रखा गया है जो पूरी तरह से निशुल्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल 18। ऐसा है कि सांप काटने से बहुत लोगों की मौत होती है और ये सीजन जो है बरसात का सीजन है तो इसमें सांप ज्यादा निकलते हैं और काटने की संभावना जो है देखा जाता है कि खेतों में या कोई पुराना दीवार है, रास्ते बिल्कुल ये हैं, जर्जर हैं, वो सब छुपे हुए रास्ते में सांप रहते हैं और काट जो उधर से जो राहगीर जाते हैं तो काटने की संभावना बनी रहती है। देखा गया है कि अभी जो पॉइजनस स्नेक हैं तो पॉइजनस स्नेक में एक क्रैथ है, कोबरा है और वाइपर है। ये सांप जो है जिसको काटने से लोगों की जाने जाती है तो इसका जो है बहुत सारे ये है नॉन पॉइजनस स्नेक है जो कि उसके काटने से मौत नहीं होती है, जैसे कि ये लोग धामिन सांप बोलता है, डोरा सांप बोलता है। ये सांप जो है लोग केवल ये इसके काटने से मौतें नहीं होती है तो भय बना रहता है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति को काटता है सांप तो सबसे पहले पहला ट्रीटमेंट एश्योरेंस देना, आश्वासन देना है कि मतलब कुछ नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, इस तरह से आश्वासन देना चाहिए। इसलिए कि देखा गया है कि यदि नॉन पॉइजनस सांप भी काटता है तो मोस्ट ऑफ द पर्संस डाई ड्यू टू फियर, डर से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। यदि उस बिना विषैला सांप भी काटा तो मतलब कि उससे जाने जा सकती है, लेकिन इसीलिए पहला ट्रीटमेंट उसको आश्वासन शॉर्ट पीरियड में दे देना है, कुछ नहीं होगा। उसके साथ ही यदि सांप काटने का लक्षण आता है तो तुरंत बिना देर किए हुए दवा को स्टार्ट कर देना है, जहाँ पर ABS की दवा, जहाँ मतलब कि सांप काटने की दवा जिस हॉस्पिटल में उपलब्ध है वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। पहुँच करके वहाँ पर डॉक्टर देखेंगे, जज करेंगे कि हाँ लक्षण आ रहा है, तुरंत दवा उसको स्टार्ट कर देंगे ना, और उसका काटा हुआ विषैले सांप का काटा हुआ व्यक्ति की जान बच सकती है। राजपुर में कितनी सुई हैं सर? अभी हमारे यहाँ राजपुर में अभी 30 की संख्या में 30 भायल हमारे पास सांप काटने की जो ASVS है ना वो मेरे पास मौजूद है। अगर सर रात्रि में किसी को सांप काट दे? यदि रात्रि में किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो अस्पताल आने पर यहाँ तुरंत जो है सो उसका इलाज प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद जो है सो वो व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। कोई शुल्क है सर? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सरकारी संस्था में मुफ्त में
ये दवा मिलती है और लोगों को दिया जाता है। ठीक है।